मित्रों नमः संस्कृता। आज हम वर्णमाला में कुछ शब्द छूट गए थे, छूटे दो चार हैं तो इनकी चर्चा बीच बीच में हम करते रहेंगे। एक हमारा छूटा था अयोग वाह। अयोग वाह क्या होता है इसकी चर्चा आज हम करेंगे। तो कभी प्रश्न पूछ लेता है कि अयोग वाह कितने होते हैं, तो अयोग वाह को हमें लिखना है कि अयोग वाह जो है चार प्रकार के होते हैं। आगे अयोग वाह कितने होते हैं, तो अयोग वाह जो है चार प्रकार के होते हैं। अब चार प्रकार कौन कौन से हैं? एक हमारा अनुस्वार है, पहला हमारा अनुस्वार है, जिसे ब्रैकेट में हम लोग इस चिन्ह से प्रयोग करते हैं और प्रयोग की दशा में ऐसा प्रयोग करते हैं। तो अनुस्वार पहला हो गया। दूसरा हमारा विसर्ग है, विसर्ग को जो है हम लोग डबल बिंदी लगाकर और इसका हम जब प्रयोग करते हैं इस तरह से, इसके बारे में आप लोग परिचित होंगे। अनुस्वार, विसर्ग और उसका तीसरा जो है, इसी को समझने के लिए तीसरे चौथे की ज़रूरत है। दो तो हमें अयोग वाह मिल जाते हैं, तीसरा और चौथा अयोग वाह कौन सा है? तो संस्कृत भाषा में चार अयोग वाह होते। अयोग वाह का मतलब यह होता है कि जो हमारी वर्णमाला में, जो हमारे माहेश्वर सूत्रों में नहीं कहे गए हैं, अर्थात उसमें उनका योग नहीं किया गया था, उसमें नहीं जुड़े हैं, इसीलिए इन वर्णों को अयोग वाह कहते। अयोग माने न योग, अर्थात हमारे माहेश्वर सूत्र में नहीं जुड़े हैं या माहेश्वर सूत्रों में इनकी गणना नहीं की गई है, फिर भी हम व्याकरण शास्त्र में इनकी गणना करते हैं, तो यह जो वर्ण है अयोग वाह कहते हैं। अगर कोई पूछता है अयोग वाह क्या है, तो लिखना कि जो माहेश्वर सूत्र में जिनकी गणना न की गई हो, ऐसे वर्ण जो है अयोग वाह कहे जाते हैं। इतना स्पष्ट हो गया। तो अयोग वाह हमने बताया चार, उसके बाद दिया है अनुस्वार, विसर्ग, एक होता है जिह्वामूली, तीसरा हमारा होता है जिह्वामूलीय। अब जिह्वामूलीय क्या होता है, आप अपना कंठ देख रहे होंगे, कंठ के थोड़ा सा नीचे माने जिह्वा जहाँ से लगी हुई है गर्दन में, अर्थात गर्दन के अंदर भाग में जहाँ से लगी हुई है, उसके मूल से जो वर्ण उच्चरित होंगे वह वर्ण जो है जिह्वामूली कहलाएंगे। इसको हम थोड़ा सा विस्तृत बताते हैं, जिह्वामूली का प्रयोग कहाँ है। जैसे इसका एक सूत्र है कखाभ्याम, कखाभ्याम प्राग प्रागर्ध विसर्ग, कखाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृशो, सदृशो जिह्वामूली। आगे हमारा कखाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृशो जिह्वामूली। अब इसका हम उच्चारण कैसे करते हैं, जैसे अनुस्वार का है क पे लगा दिया क, विसर्ग में लगा दिया अ पे अह हो गया, इसको अंग पढ़ते हैं, इसका नाक से उच्चारण हो गया, इसका विसर्ग का ह है, तो जिह्वामूली का उच्चारण क्या होगा, इसके लिए बना है कखाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृशो जिह्वामूली। तो क और ख के पहले कखाभ्याम, भ्याम जो रूप बनता है द्विवचन में बनता है, इसलिए कखाभ्याम केवल दो वर्णों का बोध होगा, क और ख का। आप लोग क ख ग घ ङ मत कर देना, कखाभ्याम पहले रूप समझो कहाँ का है। जैसे रामाभ्याम हमेशा द्विवचन में बनता है, तो कखाभ्याम भी दो वचन में बना, तो कखाभ्याम माने क ख के पहले प्राग, पहले अर्ध
विसर्ग जैसा अगर चिन्ह है वह जो है जिह्वा मूली होगा। जैसे अर्ध विसर्ग होता क्या है, पूरा विसर्ग है, नीचे से इसको मिटा दिए, नीचे से ऊपर से इसको मिटा दिए, अब यह जो चिन्ह है यह अर्ध विसर्ग का हो गया और इसी विसर्ग को जो है जिह्वा मूली कहते हैं। लेकिन यह जो चिन्ह है एक है, अगर इसको हम क के पहले लगा दिया गया तो अब इस क का उच्चारण जिह्वा मूली हो गया, और उसके बाद अगर इसे ख के पहले लगा दिया गया तो इस ख का उच्चारण जिह्वा मूली हो गया। अब इसको हम लोग पढ़ते कैसे हैं, तो जैसे बालक क्रीडति खेलति, बालक खेलति, तो यहाँ पर विसर्ग लग गया। अब ख के पहले विसर्ग है तो बालक खेलति कहते हैं, लेकिन जब अर्ध विसर्ग बोलना होता है तो हम उस विसर्ग का आधा उच्चार करेंगे, जैसे ह कहते हैं उसमें ह केवल करेंगे, तो वह बालक खेलति है। तो इस तरह से न पढ़कर हम लोग क्या पढ़ते हैं कि बालक खेलति को पढ़ेंगे, बालक खेलति, बालक खेलति, बालक क्रीडति, बालक क्रीडति, विसर्ग है लेकिन हम उसका उच्चारण आधा ही करेंगे, बालक क्रीडति, बालक खेलति। तो आप समझ गए कि जिह्वा मूली कखाभ्याम क ख के पहले अगर अर्ध विसर्ग जैसा चिन्ह होगा तो वह हमारा जिह्वा मूली होगा। अब हम इसके चौथे भेद में आते हैं, जो हमारा चौथा भेद है वह है उपध्यमानी, उपध्य मानी, इसमें भी है, इसका भी सूत्र है पफाभ्याम प्राग अर्ध विसर्गयो, प्राग अर्ध विसर्ग सदृशो उपध्य मानी। अगर यही चिन्ह जो है प के पहले हों और फ के पहले हों, प के पहले हों फ के पहले हों, तो इस प और फ का जो उच्चारण स्थान होगा उपध्य मानी होगा, इस प और फ का उच्चारण स्थान उपध्य मानी होगा। पेपर में पूछ लेगा कि इस प का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप लोग प को देखकर ओष्ठ मत मार देना, अगर आगे अर्ध विसर्ग जैसा चिन्ह लगा है तो आप प को देखकर ओष्ठ मत मारना, अर्ध विसर्ग लगा तो आपको तुरंत याद होना चाहिए पफाभ्याम प्राक अर्ध विसर्ग सदृशो उपध्य मानी। तो आपको सूत्र नहीं याद करना है, यदि प फ के पहले अर्ध विसर्ग होगा तो उपध्य मानी होगा, क ख के पहले अर्ध विसर्ग होगा तो वह जिह्वा मूली होगा। तो अब इसको पढ़ते कैसे हैं, जैसे दे दिया बालक है पतति, अगर आगे अर्ध विसर्ग आ गया प के पहले विसर्ग है, अभी अर्ध विसर्ग में हो गया तो पढ़ा जाएगा, जैसे पढ़ेंगे बालक पतति, अब इसको पढ़ना पड़ेगा बालक पतति, बालक पतति, समझ में आ गया बालक पतति। फिर दिया है फलम, तो यहाँ नहीं बैठेगा, तो बालक पतति। इस प्रकार से हमें और शब्दों को लेना चाहिए था, हमें केवल जानना था अयोगवा। हमने आपको थोड़ा सा जिह्वा मूली और उपध्यमानी की चर्चा की, क्योंकि जिह्वा मूली का जब हम उच्चारण स्थान पढ़ा रहे थे उप उपध्यमानी नाम ओष्ठौ, हमने उ का भी बताया था और प वर्ग का बताया था, लेकिन वहाँ पर हमने उपध्यमानी का छोड़ दिया था, हम बताए थे कि इसके लिए हम कभी अलग से वीडियो बना लेंगे। तो आज चर्चा आ गई तो इसके बारे में हमने बता दिया कि जिह्वा मूल्य क्या होता है और उपध्यमानी क्या होता है। जिह्वा मूल्य ककाभ्याम, ककाभ्याम प्राग अर्ध विसर्गये सदृशो जिह्वा मूल्य, और उपध्यमानी का पफाभ्याम प्राग अर्ध विसर्गये सदृशो जी उपध्य मानी। तो आज हमने सीखा कि अयोगवाह कितने होते हैं, चार होते हैं, अनुस्वार, विसर्ग,
जिह्वामूली, उपध्यमानी, इनकी चर्चा जो है माहेश्वर सूत्रों में या माहेश्वर सूत्र के वर्णमाला में नहीं की गई, इसीलिए इसे हम अयोगवाह कहते हैं। अर्थात उनके साथ न जुड़ पाने के कारण हमने बताया न योग इति अयोग, माने जिसका जुड़ाव नहीं था, कुछ वर्ण बच गए थे, ये चार वर्ण बचे थे, इसीलिए हम इन्हें अयोगवाह कहते हैं। पेपर में पूछा जाएगा अयोगवाह कितने होते हैं, तो चार होते हैं। अयोगवाह कितने होते हैं, चार होते हैं। तो अब अगला हमारा जो क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित में से अयोगवाह वर्ण हैं, निम्नलिखित में से अयोगवाह वर्ण हैं, चार ऑप्शन दिया रहेगा। अगर अनुस्वार का प्रयोग होगा एक में वह अयोगवाह होगा, विसर्ग का होगा तो वह सही होगा, अगर क और ख के पहले अर्ध विसर्ग लगाया होगा तो वह भी अयोगवाह होगा, और प और फ के पहले विसर्ग लगाया होगा वह जो है हमारा उपध्यमानी होगा, अर्थात वह भी अयोगवाह होगा। तो प्रश्नों की प्रकृति को हम लोग समझते चलें, और आज हमने जो है अयोगवाह के बारे में चर्चा की, और अगले टॉपिक पर या भविष्य में जो चीज़ें बीच बीच में छूट गई हैं उनकी भी हम लोग चर्चा करते रहेंगे। तो आज हमने अयोगवाह सीखा, और आपको अगर यह वीडियो पसंद आती हो तो आपके जितने सगी संबंधी अर्थात आपके जितने भी दोस्त हों या जितने मित्र हों, अगर लगता हो कि उनको यह चीज़ बताने से वह भी कुछ अच्छा कर ले जाएंगे तो उन्हें अवश्य बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दूसरी बात है कि आप लोग वीडियो को अगर पसंद आता है तो कमेंट ज़रूर लिखें, वीडियो को शेयर करें। बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।